बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में होगा ये कि फादर्स नेम किसी ने लिख दिया, कुमार लगा दिया, मिडल नेम ये वो, ठीक है, तो आपकी 10th में अलग होगा, 12th में अलग होगा, पासपोर्ट में अलग होगा, आधार में अलग होगा, तो इन सबको अलाइन करना इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। सर्टिफिकेट आप कनाडा के किसी बैंक में कुछ एटलीस्ट $10,000 आप जमा कराते हो जो ब्लॉक रहते हैं जब तक आप कनाडा लैंड नहीं होते, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। सर, कोई भी वीडियो बनाने के कुछ पर्पस होते हैं, या तो एक कुछ नई इन्फॉर्मेशन देना, कोई आपको गलत डिसीजन से बचाना, या फिर कुछ ऐसा बताना जो बहुत ज्यादा लोग कवर नहीं कर रहे हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यार, इसी को ध्यान में रखते हुए आज की मैं वीडियो बना रहा हूँ। 2024 में कनाडा पढ़ने के लिए जाने के लिए क्या एग्जैक्ट खर्चा हो रहा है, एंड बाय एग्जैक्ट आई मीन मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे हम, ऊपर ऊपर से नहीं, पूरा डिटेल में, डेप्थ में, जैसी मेरी सारी वीडियो होती है उसके हिसाब से बताऊंगा कि क्या खर्चा लगा है। आई हैव अ न्यू स्टूडेंट विद मी, शिवानी, जो थॉमसन रिवर्स यूनिवर्सिटी में डेटा साइंस पढ़ रही है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ए टू जेड कनाडा में पढ़ाई करने के लिए क्या खर्चा लगता है, लेट्स डाइव राइट इन। सबसे पहला एक्सपेंस इज योर आईएलटीएस एग्जाम। आईएलटीएस एग्जाम में क्या आपका खर्चा है? इसकी फीस जो थी वो थी अराउंड 15,500, ठीक है। तो इसमें आपको एक सप्लीमेंट बुक भी मिलती है, बट दिस इज लाइक योर एंटायर टेस्ट, उसकी ये फीस होती है, ठीक है। ए टू जेड जो 15,500, आईएलटीएस कितनी बार दिया था तूने? वंस, एक ही बार दिया था। क्या स्कोर है? 7.5 overall. आपका जो एजेंट है जिसके पास भी आप जा रहे हो आपको थोड़ा सीरियसली ले, तो ये तो हो गया आइल्स एग्जाम। सबसे पहले आइल्स का स्कोर आ गया, उसके बाद आती है ट्रांसक्रिप्ट्स, राइट? राइट। तो ट्रांसक्रिप्ट्स का क्या रहता है, टोटल बता प्लीज। तो हर यूनिवर्सिटी में अलग सिनेरियो होता है, तो मेरी दो थी यूनिवर्सिटीज, तो उनका अलग अलग कॉन्सेप्ट था। एक को मुझे सिर्फ ऑनलाइन मुझे फॉर्म भरना पड़ा और वो मुझे मिल गया, एंड एक का मुझे विजिट करना पड़ा, वहाँ पे फॉर्म मिल गया। उसमें भी प्राइजेस अलग अलग होते हैं, जैसे आपकी मेरी यूपीटीयू थी जो पहली यूनिवर्सिटी, उसमें थोड़ा प्राइस लो था ट्रांसक्रिप्ट्स का, और जो मेरी दूसरी यूनिवर्सिटी थी वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, तो उसका थोड़ा हाइयर प्राइस था। तो वो आपको अपने यू नो एडमिन डिपार्टमेंट या जो भी डिपार्टमेंट होता है कंसर्न, उसके पास जाके आप इंक्वायर कर सकते हो। तो इसमें टोटल खर्चा कितना आया? एक में आया 2,300 समथिंग और दूसरे में 4,500 समथिंग। तो बेसिकली सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट निकलवाने के लिए अराउंड 6,500 और ट्रांसक्रिप्ट निकलवाने में टाइम कितना लगा? द डे यू मेड एन एप्लीकेशन, द डे यू हैड योर ट्रांसक्रिप्ट, विद इन अ वीक। एक वीक में हो गया था, ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है। तो अभी हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट आ गई है, आईएलटीएस आ गया, इसके बाद हमारा होता है कि अब हमें यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है। तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, कितना कॉस्ट लगा प्राइमरीली, सबसे इम्पोर्टेंट वो है, एंड हाउ मेनी यूनिवर्सिटी डिड यू अप्लाई टू, वो सब। देखो, दो ऑप्शन थे मेरे पास, या तो मैं खुद रिसर्च करूं, ठीक है, बट मैं आई वाज अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो मेरे पास नहीं था टाइम। मैंने रिसर्च की थी, ठीक है, बट उसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट होता था, तो आई वेंट टू एन एजेंट, ठीक है, और उसके कोई चार्जेस नहीं थे बिकॉज उन लोगों को ऑलरेडी यूनिवर्सिटी से कमीशन मिलता है। फिर मेरा जो था एप्लीकेशन प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ, तो हर कॉलेज मतलब जिसमें भी आप डालोगे अपना एडमिशन फॉर्म, उसकी अलग अलग फीस होती है, किसी की 100 कैड भी होती है, 200 भी होती है। तो मेरी जो थी वो थी अराउंड 6,360 का अमाउंट था। ओके, तो हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस डिड यू अप्लाई टू? तो आई अप्लाइड फॉर एक्चुअली ओनली वन यूनिवर्सिटी, जिसमें मैंने दो कोर्सेज में अप्लाई किया था। अच्छा, अच्छा, तो इज दैट अ गुड थिंग या बैड थिंग? क्योंकि मेरा एप्लीकेशन का एक्सपेंस प्रॉब्ली बहुत ज्यादा था, मैंने 3-4 जगह अप्लाई किया था। हाउ वाज लाइक व्हाई, ऐसा क्यों? तो दिस वाज अ वेरी सिली मिस्टेक, लोगों ने मुझे बोल दिया कि तेरा तो हो ही जाएगा। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने नहीं किया, वो अलग बात है, आई वाज लकी, लेकिन आई विल सजेस्ट कि भाई कीप अ बैकअप, कीप मल्टीपल बैकअप्स। 3-4 तो जगह तो अप्लाई करो ही प्रॉब्ली, और अगर कोई फ्री एप्लीकेशन है ना, जस्ट डू इट, जस्ट डू अ फ्री एप्लीकेशन ऑलवेज, के इट्स नॉट गोना हर्ट यू, जस्ट फ्री एप्लीकेशन है, कोई पैसा नहीं लग रहा, जस्ट इन केस आपके चॉइस के ड्रीम कॉलेज में नहीं हुआ, जिसको आप प्रॉब्ली आर रीचिंग आउट के आप अपने मतलब अपनी औकात से बाहर के कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, बाय चांस नहीं हुआ, तो यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप, बट यू वर लकी की तरह हो गया एंड ऑल ऑफ दैट। हां, बट मतलब एक पॉइंट पे आई वाज वेरी स्ट्रेस कि एक में नहीं हुआ था, तब मेरे पास रोल बैक नहीं था कोई। ओके, तो प्रोबब्ली जो 15,000-18,000 का खर्चा है, यू ब्रॉट इट डाउन टू 6,000 बाय, बट दैट वाज अ मिस्टेक, दैट वाज अ स्टूपिड मिस्टेक। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आईएलटीएस का एग्जाम आ गया, ट्रांसक्रिप्ट्स आ गई, अब अगला चाहिए पैसे कनाडा जाने के लिए, तो आता है एजुकेशन लोन बेसिकली। तो अब कहाँ से लोन लेते हो, कैसे लेते हो, दैट मैटर्स अ लॉट, बट अभी हम जिस शिवानी के केस की बात कर रहे हैं, तो तेरे केस में HDFC से तुमने लोन कराया था प्रॉब्ली, तो क्या खर्चा था, क्या टाइमिंग, कितना टाइम लगा लोन होने में, वो सब। तो मैंने लिया था अराउंड 30 लाख का
सेंशन अमाउंट पेड थी, अप्रूव हो गया था बिकॉज मेरे मार्क्स अच्छे थे. आपका एजुकेशन भी मैटर करता है, आपका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, ठीक है, वर्क एक्स कितना है, कैसे है, प्लस आपका आईल स्कोर और आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें वो देखते ही देखते हैं. ठीक है, तो एप्लीकेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा. ठीक है, 6 दिन के अंदर दे कंप्लीटेड द होल प्रोसेस कि यस आर यू अप्रूव्ड और नॉट. ठीक है, दैट्स नाइस. बेस्ड ऑन कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ओके, ठीक है, वो आपको लिस्ट देते हैं और आपको वो रेडी करना होता है. दूसरी चीज थी कि एक बार आपका सेंशन हो गया अप्रूव, दे टेल यू टू फिल अप अ प्रोसेसिंग फी. वो जब तक आप नहीं दोगे आपका डिसबर्समेंट का प्लान नहीं होगा. ठीक है, और डिसबर्समेंट भी एक बहुत ही अर्ली प्रोसेस था क्योंकि आप एक बार ECS मैंडेट मतलब ऑटो डेबिट वाला सिस्टम एक्टिवेट कर देते हो तो उनको कोई दिक्कत नहीं है आपको पैसे देने में. ठीक है, जब आप बोलोगे वो दे देंगे. बट एक मेन चीज ये कि मुझे 2 parts में मिला था. ओके, देयर वाज अ रूल चेंज और कुछ हो रहा था. ठीक है, तो जब तक आपका LOA नहीं आएगा वो फुल पेमेंट आपको नहीं देंगे, वो पार्शियल पेमेंट देंगे, आपकी 1 year ट्यूशन फी और GIC अमाउंट बस. ओके, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा. तो ऑफर लेटर के बेसिस पे दे जस्ट गिव यू द हाफ अमाउंट. यस, एंड बाकी वो जब देंगे जब आप फीस पे करके आपको LOA आ जाएगा. yes, कंफर्म लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाएगा. हाँ. इसकी प्रोसेसिंग फीस कितनी थी? मेरी पड़ी अराउंड 30,000. मतलब वही आपका जो मेरा जैसे सेंशन अमाउंट थी 30 lakhs, तो उसका कुछ परसेंट प्लस GST भी था कुछ, तो वो मेरे को 30,000 अराउंड समथिंग पड़ा. तो इसके अलावा भी कोई चार्ज लेते हैं? क्योंकि मेरे को याद है मेरे टाइम पे प्रोसेसिंग फीस तो ली थी मेरे से, प्लस मेरे से इंश्योरेंस भी करवाया था लोन का. वाज दैट इन योर केस एज वेल? तो जो मेरा पहला डिसबर्समेंट अमाउंट था उसी में वो पार्ट एडेड था. अच्छा, तो आउट ऑफ पॉकेट नहीं पे करना पड़ा? नहीं, आउट ऑफ पॉकेट नहीं. अच्छा. बट वो लोन अमाउंट में जो भी था मेरा उसी का पार्ट था. कितना अमाउंट अप्रोक्सीमेटली? वो भी अराउंड 30,000 था. ओके, तो अगर अच्छा ठीक है, मतलब वो सिंस डिसबर्समेंट से कवर हो गया तो इट्स नॉट एन एक्चुअल कॉस्ट, बट 30,000 का प्रोसेसिंग फी और 30,000 का आपका लोन का इंश्योरेंस. ठीक है, नाइस. इसके बाद जब आप फीस पे कर देते हो आपको LOA आ जाता है. ठीक है, उसके बाद क्या स्टेप था आपका? व्हाट वाज योर नेक्स्ट स्टेप? LOA जैसे ही आपको मिलता है सबसे पहले मेडिकल के लिए बुक करो. okay. क्योंकि वेटिंग भी होती है, बहुत बच्चे जा रहे होते हैं. अगर आप मतलब बिजी टर्म में जा रहे हो तो बहुत मुश्किल से आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा. ठीक है, तो सबसे पहले मेडिकल बुक करना है. तो मेडिकल की अगर आप देखना चाहते हो, मैंने मेडिकल के लिए भी मेरी प्रॉब्ली वन ऑफ द फर्स्ट या सेकंड वीडियो है जो मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने मेडिकल की वीडियो बनाई हुई है जब मैं पहले वीडियो बनाता था. तो मेडिकल का कॉस्ट क्या है? ये कॉस्ट डिपेंड करता है, अगर आपके पास टैटू वैटू कुछ नहीं है बॉडी पे तो इट्स 8,500 समथिंग. ठीक है, और अगर आपके पास टैटू है तो जो कॉस्ट है इट विल रेंज टिल 11,000. अब आते हैं वीजा एप्लीकेशन. वीजा एप्लीकेशन का टोटल खर्चा कितना है? एंड आई थिंक जितना मैं शिवानी से डिस्कशन कर रहा था तो यू टुक हेल्प फ्रॉम समवन फॉर टू अप्लाई योर वीजा, तो उसकी क्या कॉस्ट थी एंड टोटल क्या ब्रेकडाउन है, व्हाट वाज द कॉस्ट? ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले बोला वीजा की जो फाइलिंग का मतलब जो मेन एप्लीकेशन है जो हम IRCC को करते हैं. हां, जो IRCC को करते हैं वो है हमारा 15,000. ठीक है, और मतलब मैंने जो एजेंट हायर किया था उन लोगों ने मुझे सर्विसेज दी थी लाइक दे विल क्रिएट माय SOP. वो मेरी एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, वो मुझे बताएंगे कि मेरे प्रोफाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है. ठीक है, एंड 3 बारी का फाइलिंग फ्री था, लाइक आई डोंट हैव टू पे इफ आई रिसीव अ रिजेक्शन. ठीक है, तो इसका मुझे कॉस्ट पड़ा जो मुझे एजेंट को देना था दैट वॉज 10,000. ओके ओके, तो इसमें SOP का अलग स्ट्रक्चर था और फाइलिंग का अलग था. ओके, सो यहाँ पे मैं एक बहुत सीरियस लेवल पे क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ. व्हाट शिवानी सेड के शी टुक अ हेल्प फ्रॉम अ एजेंट, दैट डजंट मीन द एजेंट अप्लाइड. सामने बैठ देख, जैसे कनाडा का एप्लीकेशन इमिग्रेशन का फॉर्म होता है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स. आप पहली बार देखोगे आपका सर चकरा जाएगा. एजेंट से हेल्प लेना डजंट मीन के एजेंट ने अप्लाई किया है. शी सैट विद द एजेंट, एजेंट वॉज आस्किंग हर क्वेश्चंस के इस फॉर्म में ये भरना है. एजेंट वॉज गाइडिंग, एट द एंड शी डिड हर ओन एप्लीकेशन. राइट, तो आई होप इट्स ऑल क्लियर के एजेंट ने शिवानी के बिहाफ पे एप्लीकेशन नहीं किया, दे जस्ट हेल्प्ड हर, असिस्टेड हर, बट एप्लीकेशन वाज सबमिटेड बाय यू योरसेल्फ, ऑल द लॉगिंस, GCK के लॉगिंस, एवरीथिंग यू हैड इट, राइट? या, डेफिनेटली. ऑलराइट, तो आई होप आई मेड दिस क्लियर के एजेंट के थ्रू अप्लाई करना का मतलब है शी हैड द लॉगिन, शी नोज उसके क्या डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं, लाइक कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है, फुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है. ओके, तो यार अब वीजा एप्लीकेशन हो गई है. वीजा एप्लीकेशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं. डिड यू अप्लाई इन SDS या नॉन SDS?
SDS कैटेगरी। अब आपको जानना है SDS या नॉन SDS क्या होता है, उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, या फिर आप खुद ही एक गूगल पे करोगे ना SDS वर्सेस नॉन SDS, आपको इजी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इंडिया ऐसी कंट्री है जिसमें जो SDS अलाउ करता है कनाडा अप्लाई करने के लिए, राइट, इन वन ऑफ द मेनी कंट्रीज। तो SDS एप्लीकेशन के लिए GIC मैंडेटरी होती है कि आपको GIC देना ही देना है। GIC क्या होता है, इट्स अ गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। आप कनाडा के किसी बैंक में कुछ एटलीस्ट $10,000 आप जमा कराते हो जो ब्लॉक रहते हैं जब तक आप कनाडा लैंड नहीं होते, ठीक है। तो प्रॉब्ली GIC वाज वन ऑफ योर एक्सपेंस। हाँ, एंड कितना GIC कराया, क्या एक्सपेंस था रुपीस में? रुपीस में अगर मैं बात करूं तो डॉलर वैल्यू कहते पहले तो GIC डॉलर वैल्यू, ठीक है। तो मैंने 11,000 कैड कराए थे डिपॉजिट, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा मनी चाहिए था। मैंने कहा एट द टाइम ऑफ लैंडिंग आई विल हैव एक्स्ट्रा मनी। तो जस्ट टू बी क्लियर, गवर्नमेंट 10,000 पे भी आपको, इट्स ओके, बट यू डिड 11,000 जस्ट फॉर फन, ओके, ठीक है। तो उसका जो अमाउंट था मेरा 6,87,000 INR समथिंग, ओके, ठीक है। किस बैंक में डिड यू डू योर GIC? CIBC। तो यार CIBC में GIC करने का भी ट्यूटोरियल मैंने बना रखा है, मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा। इट्स वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग ट्यूटोरियल जो मैंने आज तक बनाया है, बहुत लोगों की उससे हेल्प होती है। आप उस वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़ोगे ना, बहुत लोग कमेंट करके जाते हैं कि इट्स एन अमेजिंग। वो वीडियो जरूर देख लेना अगर आप GIC कर रहे हो। किसी एजेंट को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं GIC करने के लिए, इतना सिंपल प्रोसेस है, मैंने पूरा प्रोसेस बनाया हुआ है। CIBC से एक फॉर्म जनरेट होता है, उसको अपने बैंक लेके चले जाओ, पैसा ट्रांसफर कर दो, सिंपल इजी, विद इन 15 डेज आपकी GIC आ जाएगी। हाउ मच डेज डिड इट टेक फॉर यू टू गेट योर GIC सर्टिफिकेट? अ वीक वेरिफिकेशन होने के बाद, okay. जैसे आप फंड्स ट्रांसफर करते हो, वेरिफिकेशन होता है, एक वीक में यू विल गेट एवरीथिंग। नाइस, वेरी नाइस। तो मैं तो 15 दिन बोला था, इसको एक हफ्ते में मिल गया, तो वेरी नाइस। अब सबसे बड़ा खर्चा जो हर इंसान के लिए वैरी कर सकता है, तो जो भी ये अमाउंट बता रही है ये अपने पर्टिकुलर के लिए बताएगी, सबसे बड़ा खर्चा जो है प्रॉब्ली इस पूरे स्टेप का, दैट इज फीस, आपके कॉलेज की है यूनिवर्सिटी की। व्हाट वाज योर फीस, क्या क्या इंक्लूड था फीस में एंड ऑल ऑफ दैट? तो मेरी एक साल की जो फीस थी वो थी मेरी अराउंड 18,400 कैट, दिस इज वन ईयर, ठीक है। और आपको वन ईयर की देनी ही पड़ती है SDS कैटेगरी में, ठीक है। तो एक सेकंड, तो 18,900 मतलब के अराउंड 12 लाख, हाँ 11,40,000 समथिंग ऐसे, ठीक है। तो इस फीस में मेरा 2 सेमेस्टर का पूरा कोर्स वर्क था, और जो भी यूनिवर्सिटी की एक्स्ट्रा फीसेज रहती हैं, मेडिकल हो गया, अपना ट्रांसपोर्ट हो गया, और बहुत सारी फीस होती हैं, क्लब, स्टूडेंट यूनियन, एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड। ओके, एंड सिंस SDS था तो आपको 2 सेमेस्टर की फीस देनी मैंडेटरी, तो एक साल की फीस कवर हो गई 18,900। अब इसके बाद मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि लिस्ट में यू हैव मेंशनड अ लॉट ऑफ एफिडेविट्स और छोटा मोटा खर्चा, तो कैन यू एक्सप्लेन अ लिटिल कि इतने सारे एफिडेविट्स की क्या जरूरत है? ठीक है, तो अभी मतलब एज अ इंडियन, लाइक मतलब मैंने भी ये देखा है बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में होगा ये कि फादर्स नेम किसी ने लिख दिया, कुमार लगा दिया, मिडल नेम ये वो, ठीक है। तो आपकी 10th में अलग होगा, 12th में अलग होगा, पासपोर्ट में अलग होगा, आधार में अलग होगा, तो इन सबको अलाइन करना इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एफिडेविट बनवा लेते हैं स्टैम्प्ड पे कि ये सेम ही नेम है एंड कहाँ कहाँ पे मेंशन है, एंड कैनेडियन इमिग्रेशन इसको एक्सेप्टेबल मानती है, बिकॉज वो स्टैम्प पे है, गवर्नमेंट स्टैम्प पे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। और इसके अलावा और भी खर्चा होता है, जैसे कि अगर आप अपनी इवैल्यूएशन रिपोर्ट बना रहे हो, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट, तो उसका भी कॉस्ट 5,000 तक आ जाता है अगर आप अच्छी जगह से करा रहे हो। किससे बनवाते हैं, CA से बनवाते हैं? हाँ, CA से बनवाते हैं। तो एक और एफिडेविट होता है जो होता है स्पॉन्सरशिप का, उसमें ये लिखा होता है कि माय पेरेंट्स आर स्पॉन्सरिंग मी, मेरी पूरी स्टडी का खर्चा वो उठा रहे हैं एंड दे आर सेंडिंग मी टू अनदर कंट्री, ठीक है। तो ये भी बहुत मैंडेटरी होता है वीजा में। अगेन एट दी एंड दीज आर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके केस में वैलिड है तो आप अपलोड करो, इफ यू डोंट वॉन्ट टू यू कैन चूज नॉट टू। कुछ लोग, मेरी क्लास में मेरे साथ ही एक लड़का पढ़ता था, उसने बिना SOP के वीजा फाइल किया था, अच्छा, एंड ही गॉट हिज वीजा, ठीक है। तो अगेन ये वाले जो एफिडेविट होता है, SOP होता है, दीज आर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स, यू कैन चूज नॉट टू अपलोड इट। बट सिंस इंडिया से मैक्स, जैसे कनाडा में जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं ना, 50% कम फ्रॉम इंडिया, दिस इज अ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक। तो सिंस इंडिया में एप्लीकेशंस की वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए लोग अपने केस को स्ट्रांग बनाने के लिए ये रिपोर्ट, टाइज टू होम कंट्री, एफिडेविट, ये सब लगाते हैं, राइट। एंड पर्टिकुलर इन योर केस, तेरा नाम में थोड़ा डिस्क्रिपेंसी थी, तो प्रॉब्ली एफिडेविट वाज अ मैंडेट, राइट।
वेरी नाइस, ठीक है। एक और खर्चा होता है जो मेरे टाइम पे हुआ था, ट्रांसक्रिप्ट भेजना यूनिवर्सिटी को, वाज दैट इन योर केस? हाँ राइट, तो मेरी वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो थी वो ऐसे डायरेक्टली सेंड नहीं करते मेरी, ठीक है। मेरी दूसरी यूनिवर्सिटी ने भेज दिया बट एक ने भेजा नहीं, जो इंडिया में यूनिवर्सिटी, हाँ जो इंडिया में, ठीक है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ा, वो उनके ऑफिस से वो ट्रांसक्रिप्ट सेंड करानी पड़ी टू TRU, और उसका कॉस्ट अराउंड 2300 मेरे को लगा। ओके, तो TRU ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट मांगता है जो इंडिया से मेल से आएगी। वीजा फाइल हो चुका है, वीजा आ चुका है, एक साल की फीस पे हो चुकी है, आपका GIC क्रिएट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब आखिरी खर्चा बचता है, मेरे ख्याल से दो खर्चे बचते हैं, फ्लाइंग, तीन खर्चे बचते हैं, फ्लाइंग, फॉरेक्स और शॉपिंग, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद फॉरेक्स सबसे पहले, तो हाउ मच फॉरेक्स डिड यू ब्रिंग? ठीक है, तो बेसिकली मैंने तो बहुत ज्यादा करा लिया था, मैंने 3900 कैड्स ले आई थी मैं अपने साथ, ठीक है, थोड़ा ज्यादा है। तो मतलब क्योंकि अब यहाँ पे आके ना एकदम से पता चला कि कार्ड्स यूज हो रहे हैं, कैश तो हो ही नहीं रहा, वो मुझे बाद में डिपॉजिट कराना पड़ा, ठीक है। कितना आइडियली वुड यू ब्रिंग, लाइक इफ 1000 इज मोर देन इनफ, ओके, टू बी ट्रू 1000 इज मोर देन, सेफ साइड पे 2 तक ले लो, लेकिन 3 2000 भी एक्सेसिव भी हो जाएगा, राइट, बट ठीक है, इफ यू हैव, अगर आपके पास इतना पैसा है तो प्लीज ब्रिंग 2000 बाय ऑल मींस, लेकिन 2000 इज जस्ट योर सेफ्टी नेट, उससे ज्यादा आपको नहीं जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा हो जाता है 2000 कैड भी। उसके बाद अगला खर्चा सबसे बड़ा, फ्लाइट टिकट, जो के बाद बहुत बहुत महंगी हो चुकी है, आई नो, तो व्हाट वाज योर एक्सपेंस फॉर द फ्लाइट? तो मेरा था अराउंड 1,70,000 का, ठीक है, इसमें मेरा इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड था, लगेज इंश्योरेंस, जो ट्रैवल इंश्योरेंस, हाँ। अच्छा, तो फ्लाइट तूने किस टाइम कराई थी, लाइक कितना ड्यूरेशन था, द डे यू बुक्ड योर फ्लाइट वर्सेस व्हेन यू एक्चुअली बोर्डेड द फ्लाइट? मार्च में बुक करा दिया था, बट मुझे अगस्त में फ्लाई करना था, सो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो 5 महीने, ऑलमोस्ट 5 महीने एडवांस में बुक कराने के बाद भी 2,25,000 रुपए ऑब्वियसली। और एक और चीज थी कि मेरा वीजा नहीं आया था, तुम बिना वीजा के फ्लाइट करा दी थी? हाँ, मतलब मैंने एक रिस्क लिया, बट वो जो फ्लाइट थी दैट वाज कि आप डेट चेंज कर सकते हो, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन है भाई, ये फ्लाइट करा दो रिफंडेबल फ्लाइट टिकट करा दो, लेकिन वीजा के लिए फ्लाइट टिकट की जरूरत नहीं होती, राइट, वो मैंने अपने ऊपर लेके कि हाँ मेरे को करानी है, आई एम लाइक ठीक है मेरे को करा, अपना रिस्क, सेल्फ रिस्क लिया मैंने, ठीक है ठीक है। शॉपिंग का खर्चा पूछने से पहले, क्योंकि शॉपिंग का खर्चा बहुत ही पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, मेरे जैसा कोई होगा तो वो शायद कम में हो जाए, कोई दूसरे टाइप का बंदा होगा, किसी के लिए 2,00,000 रुपए भी इनफ नहीं होते शॉपिंग के लिए, बट शॉपिंग का खर्चा पूछने से पहले आई वांट टू डू अ टोटल के अभी तक कनाडा में पैर रखने के कितने रुपए, कितने रुपीस लग चुके हैं अभी तक? मोटा मोटा अगर माने तो 21 लाख उड़ गए अभी तक, और अभी कनाडा में कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ अभी तक, तो सिर्फ अभी, और इसमें मैंने फॉरेक्स इंक्लूड नहीं किया है। अच्छा, ये बिना फॉरेक्स, 1,80,000 जो फॉरेक्स है उसको अलग, अगर उसको मैं, अच्छा चलो फॉरेक्स भी ऐड कर दूं, मतलब 23 लाख प्लस हो चुका है, तो और अगर मैं शॉपिंग इंक्लूड कर दूं तो 1,00,000 अप, और 1,00,000 में शॉपिंग हो गई थी कनाडा की, ठीक है, तो 1,00,000, तो मैं मान रहा हूँ कि अंडर 25 लाख, अब अराउंड 22 to 25 लाख में आपका कनाडा का ड्रीम, कनाडा में पैर रखने का, अभी कनाडा में सक्सेसफुल होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सपना देखने की जो कीमत है, कॉस्ट है, वो है 25 लाख रुपए। तो अगर कनाडा का सपना देखना है, अगेन केस टू केस डिपेंड करता है, शिवानी अप्लाइड इन SDS कैटेगरी, तो उसको 2 सेमेस्टर की फीस देनी पड़ी, यू कैन सेव 1 सेमेस्टर की फीस, प्रॉब्ली $9,000 आप बचा सकते हो, इस 5-5.5 लाख आपका खर्चा कम हो सकता है अगर आप नॉन SDS में अप्लाई करो, अगर आप सस्ते कॉलेज में जाओ जो 2 कमरे में कॉलेज खोल के बैठे होते हैं, अगर आप वहां जाओगे तो आपकी फीस और कम होगी, लेकिन अगेन जितना यू गेट व्हाट यू पे फॉर, राइट, ठीक है, आपकी सिचुएशन में डिपेंड करता है, गलत और सही कुछ नहीं होता इसके अंदर, कि जो आपको चाहिए वही, जो आपको पसंद है वही सही है, राइट। तो ये था एसेंशियली 2023-2024 में क्या खर्चा है कनाडा आने का, स्टडी परमिट पे पढ़ाई करने के लिए। कुछ भी क्वेश्चंस है कमेंट्स में डालो, आई वुड लव टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, कुछ भी कुछ कॉम्प्लेक्स है आई वुड आस्क शिवानी एंड रिप्लाई टू योर कमेंट्स। तो यार वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आप कनाडा में बैठे हो और आपका कोई छोटा भाई बहन दोस्त कोई कनाडा आना चाहता है, उसको ये वाली वीडियो भेजो, जिससे उसको अंदाजा लग जाए कि भाई ओके
कनाडा आने का ये कॉस्ट है। शिवानी का खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है, शी इज डॉक्यूमेंटिंग हर ओन जर्नी थ्रू अबाउट स्टडिंग डेटा साइंस इन कनाडा, डेटा साइंस कनाडा में रहना, ब्लॉगिंग, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, प्राइमरली फोकस्ड अराउंड डेटा साइंस क्योंकि यूट्यूब पे डेटा साइंस की वीडियोज बहुत कम है, आई नो पर्सनली, ठीक है। शिवानी के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, जरूर जरूर सब्सक्राइब करना, इट्स रियली हेल्पफुल। अगर कोई अपना टाइम निकाल के आ रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम दूसरे पर्सन की भी हेल्प करें, ठीक है। तो शिवानी के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम मेरा है पीयूष मेरवाल, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे फन मस्ती अपडेट कुछ ना कुछ कनाडा का अच्छा पॉजिटिव कुछ चलता ही रहता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।